बरेली के इंदिरा मार्केट की तरह ही पोर्टेबल शॉप यानी टीन के खोके न केवल बरेली के शहर के बीचों बीच इंदिरा मार्केट में लगे हैं, बल्कि सिंधु नगर और शहर के इंडस्ट्रियल एरिया परसाखेड़ा और मथुरापुर के मोड़ पर, जो कि दिल्ली जाने वाला मार्ग है, रोड किनारे भी लगाए गए हैं। हैरत की बात तो यह है कि शहर की एक निजी कंपनी जो कि सीबीगंज इलाके में ही खोखे बनाती है, उससे खोखे सप्लाई कराए गए और रोड के किनारे स्थापित कर दिए गए नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर। हैरत तो दुकानदारों की बात सुनकर तब होगी जब आपको जानकारी मिलेगी कि एक एक लाख दस दस हजार रुपए प्रति खोखे के हिसाब से फल व्यापारियों से लिया गया, उनके बदले में खोखा दिया गया, लेकिन आज तक नगर निगम के खाते में एक भी रुपया किराए के बतौर जमा नहीं हो रहा है। आप खुद ही सुन लीजिए दुकानदारों की जुबानी जो इस खबर के साथ हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। देखिए हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि करीब 5,000 ऐसे ही खोके एक निजी फैक्ट्री ने और बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो सीबीएन इलाकों में तमाम निजी प्लाटों पर रखे हुए हैं। जैसे ही बताते हैं हरी झंडी मिलेगी, इनको भी सरकारी जमीनों पर कब्जा करके स्थापित कर दिया जाएगा। इन खोखों को स्थापित करने की आड़ में कितना मोटा खेल हो रहा है, इसकी जांच अब बरेली के जिला प्रशासन ने भी शुरू कर दी है। हम जारी रखेंगे पड़ताल, बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए इन खोखों को स्थापित करने में जगह जगह पर तत्कालीन नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव और वर्तमान बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी भी गए थे। हमारे फेसबुक से कॉपी की हुई एक हम कटिंग भी आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में जब हमने महापौर बरेली का वर्जन लेने का प्रयास किया नगर निगम जाकर, तो पता लगा कि गांव गांव चैनल के लिए कोई एंट्री नहीं है, यानी कि उनको वर्जन हम नहीं दे पाएंगे। हम मजबूर होकर विवश होकर उनके बोल नहीं सुनवा पा रहे हैं महापौर बरेली के, लेकिन देखते रहिए आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए हम लेकर आए आपको मथुरापुर रोड सीबीगंज के पास। ये पूरा मार्ग जा रहा है मथुरापुर को जा रहा है, और बहुत सारे दुकानदार हमारे सामने कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वो टीम के खोके जो पोर्टेबल शॉप मॉडर्न शॉप जिन्हें कहा जा रहा है इस देवीगंज इलाके में, वो कहाँ से इन्होंने खरीदी थी, कितने रुपए खर्चे में आए थे और क्या है उसके लेने की प्रक्रिया। दुकानें साफ सुथरी हैं, दुकानदार संतुष्ट हैं, लेकिन 1,10,000 रुपये फैक्ट्री ने लिए हैं जहाँ से इन्होंने दुकान बनवाई, उसकी रसीद भी बकायदा दी है। अब देखना यह है कि नगर निगम से इनकी लिखा पढ़ी हुई है नहीं। नगर निगम से कोई भी लिखा पड़ी? नगर निगम से अभी तक कोई लिखा पड़ी नहीं हुई है। जमीन तो नगर निगम की होगी, लेकिन जमीन निगम की है, लेकिन नगर निगम से अभी कोई लिखा पड़ी नहीं हो पाई है, और शायद आपको उम्मीद है कि लिखा पड़ी हो जाए। देखिए उम्मीद पूरी है दुकानदारों को कि उनकी लिखा पड़ी भी नगर निगम से हो ही जाएगी। ऐसी बहुत सारी दुकानें इस सीबीगंज इलाके में शहर से बाहरी इलाकों में लग रही हैं, और इसी इलाके में वो कारखाना भी चलता है जहाँ से उन दुकानों का आवंटन होता है, उत्पादन होता है। आखिर उत्पादन में मटेरियल कहाँ से आता है, उत्पादन में लगने वाले मटेरियल की जीएसटी दी जा रही नहीं दी जा रही है, ऐसे तमाम सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। आए आपको मथुरापुर रोड पर, और यहाँ पर भी वही पोर्टेबल शॉप लगी हुई है जो कि इंदिरा मार्केट में सजी हुई है, और ऐसी पूरी लाइन ये केवल एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ मथुरापुर रोड पर लगी हुई है। मैं दिखाता चल रहा हूँ आपको वो पोर्टेबल शॉप जिसको लेके आजकल नगर निगम बरेली विवादों के घेरे में आ चुका है। वो पोर्टेबल शॉप मथुरापुर रोड पर यहाँ पर सजी हुई है, और बताते हैं कि इसको एक ही जगह से बनवाया गया है। बताते शुरुआत भी पोर्टेबल शॉप की यहीं से हुई थी। आप ही दुकान है, आप ही की है क्या? किराए पे अपनी निजी दुकान? क्या नाम आपका? आकाश राव है। आकाश राव
आकाश साहू, आपकी अपनी निजी दुकान है, कितना किराया जाता है? अभी किराया सर गया नहीं है, नीचे नहीं हुआ है। अच्छा, झूठ बोलने में किसी को झूठ बोलने में कुछ मिल थोड़ी रहा। क्या क्या नाम आपका? मेरा नाम है ठाकुर दास। तो कब से लग रही है आपकी दुकान? ये नई दुकान है तो मिली है, एक साल हो गया। अच्छा, ये छः महीने। कहाँ किसने दी है, किससे मिली है आपको? निगम से? हाँ। अच्छा, कुछ किराया तय नहीं हुआ अभी? अभी निश्चय नहीं हुआ है कोई किराया। कितने पैसे दिए? कितने पैसे जमा हुए? जमा तो एक दुकान के 110,000। 110,000? दो दुकानों के 2,10,000-20,000। कितनी दुकानें हैं सब? मुझ पे तो दो हैं, एक कंटेनर में 8 दुकानें हैं। अच्छा, तो दो दुकानें आपने ली, तो 2,20,000 रुपए की है। किराया भी नहीं जमा हुआ? अभी जमा नहीं हुआ, निश्चय नहीं हुआ है किराया। अच्छा, कितना जमा होना है? पेपर मिला है? पेपर में रसीद मिली है जो दुकान है, जो हमने पैसा जमा किया निगम की तरफ से है। पेपर मिला इसका? जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो वो रसीद हमें मिली है, जो लखनऊ से पास होके आई है। अच्छा अच्छा, लखनऊ से पास होके रसीद आई है? हाँ, जो हमारा जी में पैसा गया। चलिए, और उधर वाली भी ऐसी है? वो भी ऐसी। देखिए, ऐसी ही और दुकानें भी हैं। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम कांता प्रसाद। जी भाई साहब? कांता प्रसाद। लालता प्रसाद जी? कांता प्रसाद। कांता प्रसाद जी, आपकी कितनी दुकानें हैं? मेरी एक मेरी है, एक मेरे बेटे की है, जगदीश की। कितने रुपए जमा हुए? 110,000 रुपए एक दुकान का। 110,000 रुपए एक दुकान के। रसीद मिल गई नगर निगम से? नगर निगम की नहीं मिली, उससे मिल गई है रसीद। जिसने बेची है दुकान? किससे खरीदी है? उसका क्या नाम है जी, इंडियन वाले दिए बना गैस वाले, बरेली? हाँ हाँ, बरेली गैस वाले। अच्छा, बरेली गैस वाले, आपकी बरेली गैस वालों से लिए? सभी दुकान है हमारी, सब उसी ने बना दी। अच्छा, कितने आपके कितने रुपए गए? हमारी चार दुकान है। दो दो अलग अलग, कोई रेट गया जो सब गया वो। अच्छा, रसीद वगैरह दुकानदार ने दे दी? जीएसटी वगैरह सब कट गया है? जीएसटी वगैरह कट गया। देखिए, जीएसटी वगैरह कटा है और इन्होंने उन्हीं दुकानदार से ली है जहाँ से कारखाने से दुकानें बनी हैं। और यहाँ पर और भी दुकानें ऐसी हैं, ये मथुरापुर रोड कहलाता है। ये देखिए, मथुरापुर रोड है और बहुत शानदार आलीशान लग रही हैं दुकानें। कोई दिक्कत तो नहीं है या बीच में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। क्या नाम है साहब का? प्रेम। इन दुकानों की ओपनिंग किसने की थी? मेयर साहब ने की थी। कौन मेयर साहब? उमेश गौतम। अच्छा हुआ। और कौन कौन आए थे उनके साथ? और अतुल कपूर जी आए थे और नगर आयुक्त थे उस टाइम। अच्छा, उस समय के नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव वो आए थे, उद्घाटन उन्होंने किया था। बहुत लोग थे। चलिए ठीक है, थैंक यू। देखिए, हम लेके आए हैं आपको परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में, औद्योगिक क्षेत्र में लेकर आए हैं हम आपको, सिर्फ इसलिए कि इस औद्योगिक क्षेत्र में भी लगाए गए हैं वही टीन के खोके जो इंदिरा मार्केट में लगाए गए थे। नाम दिया गया है इसको इंडस्ट्रियल, नाम दिया गया पोर्टेबल शॉप। आइए देखते हैं इस इंडस्ट्रियल एरिया में लगे हुए टीन के खोके। आ रहे हैं परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में भी लगे हुए खोके हैं और ये फैक्ट्री यहाँ पर बताते हैं बाड़ी लाल की फैक्ट्री है। जय बालाजी कम्युनिकेशन समेत कई खोके टीन के यहाँ भी लगे हुए हैं। ऐसे हम दिखाते चलेंगे और भी आपको, साइड से भी हम दिखा रहे हैं टीन के खोके जो सुबह सुबह बंद है परसाखेड़ा में। अब बड़ी रेंज है, पूरी मार्केट बसाई गई है यहाँ पर टीन के खोकों की। लेकिन चल रहे हैं परसाखेड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया में और यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं आपको वही टीन के खोके इंदिरा मार्केट में जो लगे थे। और सीबीगंज के परसाखेड़ा में बाकायदा सुनियोजित तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं और सरकारी जमीन पर ऐसे कब्जा कराया गया सुनियोजित। देखिए, लेकर आए हम परसाखेड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया में, तमाम फैक्ट्रियों का इलाका है, औद्योगिक प्रतिष्ठान है, यहाँ पर भी लगी हुई है पोर्टेबल शॉप। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, ये दुकान आपने नगर निगम से ली होगी? जी हाँ। अच्छा अच्छा, कितनी कीमत में मिली? 1,10,000। 1,00,000। कितना किराया महीने जा रहा है? अभी तो किराया फिक्स नहीं हुआ है। किसने उद्घाटन किया था यहाँ पे? ये तो नहीं मालूम किसने। अच्छा, किराया फिक्स नहीं हुआ अभी? हाँ, ठीक। और बराबर वाली किसकी है? ये हमारे साथी ने। अच्छा, ये भी उसी रेट की है? ये भी उतने की है? 1,10,000 की। देखिए, सुनील जी बता रहे हैं कि पड़ोस में दुकान भी उनके साथी की है और 1,10,000 रुपये में वो दुकान उनको आवंटित हुई है। ये चार दुकानें किसकी हैं? अच्छा, ये भी ली हुई है, खोल नहीं रहे हैं। देखिए, चार दुकानें और भी हैं जो किसी ने ली है लेकिन अभी खुली नहीं है। और बहुत शानदार मार्केट यहाँ परसाखेड़ा में लगाया गया है,
इंडस्ट्रियल एरिया में दो दुकानें और चलती है दुकान यहाँ पर आपकी? बहुत कम चलती है। बहुत कम चलती है, कितने की पड़ी दुकान आपकी? ये दो दुकानें मिली 2,25,000 की। 2,25,000। क्या नाम आपका? राजीव गंगवार। राजीव, कब आवंटित हुई थी, कब मिली थी? हमें मिली है 9 महीने पहले। 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। कोई रसीद वगैरह मिली आपको? मिली है। किसने दी आपको रसीद? भारत गैस वालों ने दिए। भारत गैस वाले, फैक्ट्री है जिनकी गैस की एजेंसी है? गैस की। अच्छा, किराया कुछ काम ना कैमिकल की करके है वो। अच्छा, एरिया कुछ किराए की रसीद वगैरह मिल रही है आपको? किराए की रसीद तो अभी नहीं मिली था, निर्धारित नहीं हुआ है किराया। अच्छा, किसने उद्घाटन किया था? उमेश गौतम ने किया था उद्घाटन का। अच्छा, मेयर उमेश गौतम ने उद्घाटन कब हुआ था? और कौन कौन आया था उनके साथ? और तो नहीं पता, बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे जी सर। एक रमेश, कब से यहाँ पर काम कर रहे हो ये हलवाई गिरी का? काफी साल है। पहले पन्नी लगाई करते थे? बड़ी। तो आपको फिर अचानक ये टीन के खोखे लेने की क्या सूझी? सब ले रहे थे, लेने पड़े, सब ले रहे थे। कितने का पड़ा? 2,20,000। 2,20,000 का। किसने लिए पैसे, किसके पास जमा हुए? ये यहाँ कर्मचारी, वो बाईपास पर बैठता है कोई, शर्मा नाम का। अच्छा, एजेंसी के बराबर में। गैस एजेंसी बराबर में। अच्छा, गैस एजेंसी बराबर में। कुछ किराया वगैरह जा रहा है? किराया तो नहीं जा रहा है, अभी नहीं जा रहा है। अच्छा, और बाकी बराबर में ही आप ही की दुकान है? कुछ क्या नाम बताया आपने? रमेश। देखिए रमेश जी, पहले यहाँ पर ठेला लगाते थे, बीच में इन पर रोक लगाई जाने लगी, तो इन्होंने मजबूरन दो खोखे, बता रहा है 2,20,000 रुपये के ना, 2,20,000 रुपये दो खोखे खरीदे हैं। ऐसे ही और भी दुकानें हैं, लंबी लंबी कतार में आप देखेंगे बहुत सारी दुकानें पूरे लाइन से लगी हैं, हम आपको दिखाते चलेंगे। रेट भी वैसे ही टीन के खोखों का लगा है, ये वही मॉडल है जो बरेली में इंदिरा मार्केट में लगाया गया है। हम दिखा रहे हैं परसा खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ, क्या नाम है आपका? नरेश जी, कब से चल रही है आपकी दुकान यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 12-13, 14-15 साल हो गए। अच्छा, दुकान ये टीन की जो लगी है वो? ये जो है 1,10,000 की, एक है 3,30,000। 3,30,000, तीन दुकान है आपकी? क्या, कहाँ से खरीदी आपने दुकान? ये मैक साहब से खरीदी थी, परसा वो मैक साहब है जो इंडिया एजेंसी, गैस एजेंसी वाला। जी जी। अच्छा, किराए को तय हुआ है? अभी नहीं हुआ है। किराया अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन बता रहे गैस एजेंसी वालों से ये दुकान इन्होंने यहाँ पर खरीदी है। और दुकान जी उमेश गौतम से ही खरीदी। किससे खरीदी? उमेश गौतम से ही। उमेश गौतम से खरीदी? और क्या, उन्हीं के ही आदमी है वो भी। अच्छा, वो उन्हीं के आदमी है। गैस वाले तो कुछ किराया जा रहा है महीने पे? ना अभी नहीं गया सर। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम ननकी लाल। क्या करते हैं? सब्जी जी, सब्जी की दुकान है। सब्जी का काम करते हैं ननकी लाल, और बता रहे हैं कि गैस एजेंसी वाले भी मेयर जी में है। अच्छा, उन्हीं के करीबी है। ठीक, और भी दुकानें हम दिखा रहे हैं। अजंता जायका ढाबा है, ये भी पोर्टेबल शॉप लगी हुई है यहाँ पर, और स्पेशल वेज एंड नॉन वेज काउंटर है। ऐसी बहुत सारी मार्केट पूरी लगी हुई है, हम दिखाएंगे। ये परसा खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र है। ये देखिए खान पान अंश रेस्टोरेंट, यहाँ पर भी दो दुकानें हैं। वाओ जी, आपने कब से चला रहे हैं दुकान ये? हम तो रहते हैं, लेकिन दुकान तो पहले से चल रही है। दुकान पहले चल रही है। ये टीन के खोखे? ये पहले से। कब से हैं ये तो मेरे को पता। अच्छा, ये क्या नाम आपका? जय प्रकाश जी है, बता रहे हैं ये इनका दुकान तो बहुत पहले से चल रही है। ऐसे ही बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में हम दिखाएंगे, आगे भी बहुत सारे खोखे लगे हुए हैं, मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे। ये देखिए परसा खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में लगे हुए टीन के खोखे, और हम दिखा रहे हैं आपको पूरा मार्केट सजा हुआ है यहाँ पर, जो मार्केट बरेली नगर में इंदिरा मार्केट में विवाद में आ गया है। और यहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर बहुत सुनियोजित तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा कराया गया है टीन के खोखे लगवा कर। कुछ लोग ज़रूर आज भी रोड पर हैं, ठेले रोड पर हैं, लेकिन जिनकी जेब में पैसा है, रुपया है, वो टीन के खोखे खरीद चुके हैं। आपका भी कितने का मिला खोखा? क्यों, कितने का मिला खोखा? हाँ, 2,20,000 रुपये मिला। दो है खोखे? दुकानें हैं। दो दुकानें हैं। 2,20,000। क्या नाम आपका? राजेश साहू। किससे खरीदा साहू साहब?
ये पता नहीं पापा ने हमारा खरीदा। देखिए राजेश साहू का कहना है कि पापा ने खोखा खरीदा है और देखने में बहुत शानदार है, लाइटिंग लगी हुई है, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं है।